आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन इफ इन अ डेल्टा एबीसी ए इज 0, 0, बी इज 3 एंड 3√3, सी इज -3√3 एंड 3, देन द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 यूनिट्स डायरेक्टेड अलोंग AO, वेयर O इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। ये हमारा हो गया एक ट्रायंगल एंड हम इसके सेंटर पॉइंट भी ले लेते हैं इस ट्रायंगल का। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है। ओके, ये हो गया सेंटर पॉइंट, लेट कर लेते हैं ये ए ट्रायंगल का ए बी सी तीनों के हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखिए ए का क्वेश्चन में 0, 0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 3√3 और लास्टली सी के हैं हमारे पास -3√3 एंड 3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ AO निकाल लेते हैं। O क्या है, O हमारा सेंटर हो गया, वेक्टर AO तो कितना हो जाएगा ये 2√2। तो देखिए अब क्वेश्चन में हमें गिवन है मैग्नीट्यूड इज √2। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, दिस इज एक्चुअली 2√2। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, जब सारे मैग्नीट्यूड इक्वल ही होंगे तो वी कैन से कि वेक्टर AO विल बी इक्वल्स टू वेक्टर BO, बिकॉज ये एक सर्कल का सेंटर, रेक्टेंगल का सेंटर है, सारे मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं आर के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर लेट करेंगे सबसे पहले। सो लेट द पोजीशन वेक्टर, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसके लिए बी विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे। ठीक है, अब हमें मालूम है जब हम मॉड ऑफ वेक्टर AO निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2√2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8। लेट कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ BO एंड मैग्नीट्यूड ऑफ CO भी इक्वल है तो इनका भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा BO के लिए अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फॉर हमने ये यूज किया है BO के लिए, फिर हम यूज करेंगे CO के लिए। ठीक है, तो y माइनस 3√3, O के कोऑर्डिनेट्स वो x और y है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। RHS पार्ट किसके लिए, CO के लिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x, क्योंकि वो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3√3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करके अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो ओपन करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 3y प्लस 27। LHS पार्ट आ गया, RHS को भी खोल लेते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर हो गया 27 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 27 से 27। अब रिमेनिंग लिख लेते हैं क्या बचेगा, तो रिमेनिंग जो आ रहा है उसमें से हम कॉमन भी ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। वाई कॉमन लिया तो 6 माइनस 6√3 हो गया, अच्छा 9 से 9 भी तो कैंसिल आउट हो गया है। और देखिए अब बचा x वाला, तो -6x है और 6√3x है, तो x कॉमन लेंगे तो 6√3 + 6। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 6 कॉमन ले लेते हैं, 6x मीन्स तो 1 + √3। अब हम इसमें से भी 6 कॉमन ले लेते हैं तो 1 - √3, तो देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया हमारा y की वैल्यू, y विल बी इक्वल्स टू x इन द ब्रैकेट 1 + √3, इन डिनोमिनेटर पार्ट इट इज 1 - √3। लेट दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे y को 2 से 1 में, मींस जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो वन वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी तो सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू,
अंडर रूट 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 वन माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू देखिए आ गई 1 माइनस रूट 3 और x की ये आ गई। अब x की यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस रूट 3 से 1 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। y की कितनी आ गई वैल्यू 1 प्लस रूट 3। ये हो गए हमारे आंसर्स और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। अब x और y जो पोजीशन वेक्टर है वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा वेक्टर ए ओ विल बी 1 माइनस अंडर रूट 3 आई एक्स की वैल्यू और 1 प्लस रूट 3 इंटू जे किसकी हो गई वाई की वैल्यू। तो अब मैच कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द आंसर। तो इस बेस पे हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।